नमस्कार। जब हम डिप्रेशन का बात करते हैं तो हमारे जहन में मेंटल डिप्रेशन की बात आती है, जिसका मतलब दुखी रहने से है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं 1929 की ग्रेट डिप्रेशन की, जो पूरे विश्व को अपने चपेट में ले लिया था। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मंदी या डिप्रेशन किसे कहते हैं। महामंदी का मतलब है कि बड़े स्तर पर मंदी आना। साल 1929 के अक्टूबर महीने में अमेरिका में आई मंदी महामंदी के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में इसे द ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है। अमेरिका से शुरू इस आर्थिक घटना ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। इसके कारण बैंक दिवालिया हो गए थे, शेयर मार्केट धड़ाम हो गया, जिसके कारण शेयर धारकों के करोड़ों डॉलर डूब गए थे। कंपनियों ने उत्पादन बंद कर दिए थे, लोग बेरोजगार हो रहे थे और कर्ज में दबे लोग आत्महत्या कर रहे थे। वर्ष 1930 की आर्थिक महामंदी इस दुनिया की सबसे बड़ी घटना में से एक है। वर्ष 1929 में शुरू हुई महामंदी के आने से पहले विश्व के उद्योगपतियों की धारणा यह थी कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा कर लेती है, और इस वजह से पहले उत्पादन पर ध्यान दिया नहीं जाता था, उसके बिक्री पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता था। इसके कारण वस्तुओं और सेवाओं की बाजार में अंबार लग गई। उद्योगपति बस उत्पादन पर ध्यान देते थे, लेकिन उत्पादन की मांग की फिक्र इन लोगों को नहीं थी। इसी विचारधारा के कारण उद्योगपतियों ने उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान दिया, उसकी बिक्री पर नहीं। इसी कारण पूरा विश्व महामंदी की चपेट में आ गया था। तो यह आर्थिक महामंदी कैसे शुरू हुई, इसके बारे में बात करते हैं। वर्ष 1923 में अमेरिका का शेयर बाजार चढ़ना शुरू हुआ और चढ़ता ही चला गया, लेकिन 1929 तक आते आते इसमें अस्थिरता के संकेत आने लगे। 24 अक्टूबर 1929 को एक दिन में करीब 5 अरब डॉलर का सफाया हो गया। अगले दिन भी बाजार का गिरना जारी रहा और 29 अक्टूबर 1929 को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और बुरी तरह गिरा और 14 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। इस तरह 29 अक्टूबर 1929 के दिन बृहस्पतिवार को ब्लैक थर्सडे कहा जाता है। यह मंदी दूसरे विश्व युद्ध के शुरू होने तक अर्थात 1939 तक चली थी। इसे वॉल स्ट्रीट क्रैश भी कहा जाता है। स्टॉक मार्केट में आई गिरावट की वजह से ज्यादातर लोगों ने इन्वेस्ट करना ही बंद कर दिया। अब बिजनेस में कोई इन्वेस्ट नहीं करता था। बहुत सारे लोगों की नौकरियां भी चली गई, तो लोगों ने अपने खर्चे कम कर दिए, जिसके वजह से वस्तुओं की डिमांड कम हो गई और कंपनियों की प्रोडक्ट्स बिक नहीं पाई। इसके फलस्वरूप कंपनियों को अपने प्लांट्स बंद करने पड़े और बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई। इस तरह यूएस की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत कम हो गई और बेरोजगारी बहुत बढ़ गई। बेरोजगारी की वजह से लोगों के पास पैसे नहीं बचे, इसलिए वे बैंक में रखे अपने पैसे को निकालने लगे। इस तरह बैंकों पर बहुत दबाव पड़ा, क्योंकि जो लोग बैंकों से लोन लिए थे वो पैसे की कमी के कारण और जॉब खोने की वजह से पैसे को रिपे नहीं कर पा रहे थे, और जिन लोगों ने बैंक में डिपॉजिट रखा था वो निकाल नहीं पा रहे थे, क्योंकि बैंक की लिक्विडिटी कम हो गई थी और बैंक फेल हो गए थे। बैंकों के पास लंबी लंबी कतारें लगी रहती थी। लोगों को बैंकों से भरोसा टूट गया था और लोग घरों में ही अपने पैसे रखने लगे थे। तो इस आर्थिक महामंदी का कोई एक कारण नहीं था, लेकिन बाजार में मांग का ना होना, बैंकों का विफल होना और शेयर बाजार की भारी गिरावट को प्रमुख कारण माना जाता है, जिसमें शेयर धारकों के
$40 अरब का सफाया हो गया था। इसका एक और कारण यह भी माना जाता है कि 1920 के दशक के मध्य में बहुत सारे देशों ने अमेरिका से कर्जे लेकर अपनी निवेश संबंधी जरूरतों को पूरा किया था। जब हालात अच्छे थे तो अमेरिका से कर्जा जुटाना बहुत आसान था। जो देश अमेरिकी कर्जे पर सबसे ज्यादा निर्भर थे उनके सामने गहरा संकट आ खड़ा हुआ था। अब हम जानते हैं महामंदी के महाप्रभाव के बारे में। इस दौरान 9000 से भी अधिक बैंक बंद हो गए। आवास निर्माण दर में 80% तक की कमी आई। औद्योगिक उत्पाद की दर में 45% की गिरावट आई। 1,30,00,000 लोग बेरोजगार हो गए। इस महामंदी का प्रभाव भारत के साथ साथ बाकी देशों पर भी पड़ा। महामंदी के कारण 1928 से 1934 के बीच देश के आयात निर्यात घट कर लगभग आधे रह गए थे। गेहूं की कीमत 50% गिर गई थी। किसान और काश्तकार भी इससे प्रभावित हुए थे। तो ये थे महामंदी के कारण और उसका प्रभाव। आशा है आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और क्लिक कीजिए बेल आइकन को।